बहुत ही भयंकर स्कैम होने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं इस्तिकाल स्ट्रीट। स्कैम हो गया तो ऐसे ना मूड उदास सा हो रहा था बहुत ज्यादा। सोचा कि बहुत सारा खाते हैं क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि फूड इज द ग्रेटेस्ट हीलर। चलो इस बात को भूलते हैं, खाना खाते हैं बहुत सारा। 24 आवर्स टर्किश फूड, आपको सारी टर्किश आइटम्स दिखाएंगे, बढ़िया बढ़िया डिलीशियस टर्किश चीजें। चलो फिर लेट्स गो, आओ आपको टर्किश फूड दिखाते हैं। प्रेरणा आसानी से नहीं मिलेगी। ये मुझे पता था ये होने वाला है। आई डिफीट यू, कम ऑन। मुझे लगा मैंने गिरा दी। नो, लिटिल बिट मोर, आई वांट मोर। ओके, लिटिल बिट मोर। ओह माय गॉड, इट्स मोर देन एनफ भाई। ये वो कह रहे हैं बस ठीक है, यूं इतनी खा पाएगी। मुझे लगा इस पर दे दिया एक्चुअल में। अरे कौन मिस कर, तूने कौन चोरी कर लिया प्रेरणा? नहीं, वो उनके हाथ में है। In your bag, हाँ। नहीं है यार, नहीं है। फोन कहाँ गया? Yes, please. अरे come on man, बंद करो। No, come on beat. ये देना, ये देना नहीं चाहते। खींच ले। Extra for you. Extra for me. Yeah, I'm sorry, I swear. मुझे पता था कि ये देना ही नहीं चाहते। For you. Finally. बहुत मेहनत लगती है यहाँ पे टर्किश आइसक्रीम के लिए। बहुत ज्यादा डिलीशियस है एक्चुअल में, मिल्क और पिस्ताशू। यम, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। टाटा टाटा, मुझे टाटा कर जो, मुझे टाटा कर जो। कह रहे हैं हमें पैसे दो, चलो निकलो अब यहाँ से। तो अभी टर्किश आइसक्रीम तो खा ली है और वो शो भी देख लिया जो वो करते हैं। अभी चलते हैं और डोनर खाते हैं। पर प्रेरणा यहाँ की स्पेशलिटी तो ये है, ये खाना यार। वेजिटेरियन स्पेशल सीट मिल रही है। खा यार प्रेरणा। टेस्ट तो अच्छा है पर बनाता मैं अच्छा। तू इतना ही अच्छा बनाता है तो यहाँ पे भी बनाना सिखा दे सबको। अबे सीरियसली ज्यादा अच्छा है यार। जो भी कहो स्पेशलिटी तो इन्हीं की है। जो ये फलाफल बनाते हैं ना अंदर का चने से, वो कोई नहीं बना सकता यार, इतना ज्यादा क्रंची। वाकई यार क्या फलाफल है, मजा आ गया। टर्की के दुरुम की बात तो अलग है। तो इस शॉप पे हमने दिया 80 लीरा, 30 जूस के थे और 25 फलाफल के स्मॉल साइज। तो 30 + 30 + 25 = 85। तो हमारी भूख हमें ले आई है टर्की के हेवन में, फूड हेवन में। हाफिज मुस्तफा यहाँ का सबसे बड़ा ब्रांड है, यहाँ पे टर्किश डिलाइट्स मिलती हैं। अब यहाँ खाना देखो, ऐसा लग रहा है सब खा रहे हैं। जाइंटिक पेस्ट्रीज हैं, इतने बड़े बड़े केक्स हैं। अगर मैं ये खाने लग गई तो मैं एक दिन में, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप यार, इनके पास क्या क्या है यार। विच इज बेटर, दिस और दिस? Then we'll order this. Sultan plate. Kaka Olu Sile ki pasta. Pasta hai ye? Ye bhai pastry ko pasta kehte hai. From Bosli Sikolatali pasta. Pata hai na, bahut bure lag raha. Yaar ye padhna, chocolate raspberry cake. Theek hai na, mujhe maza aa raha hai. Bahut confused kar rahi hai. Mujhe maza aa raha hai Turkish naam lene mein. Tere ko kya problem hai? Iska naam hai Yama Mutu Yama aur iska naam hai Muh mein Pani Aata Yama. Ye baklava hai. हाय राम, मैं मर जावा गुड़ खा के। यार हर्ष, हम जिम विम कुछ भी नहीं जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? हाँ यार खूब खा, रोज टर्की थोड़ना है ना, तूने खा खूब खा। और यार ये इसकी स्पेशलिटी तो देख। ओ भाई ये बहुत सैटिस्फाइंग है और मेरे पेट को भी बहुत सैटिस्फेक्शन होने वाली है सब खाने के बाद। तेरी बारी यार, खा के पता कैसी है? ये वापस ही नहीं करेगा मुझे। अब नहीं मिलेगी तुझे यार, मैंने ऐसा कभी कुछ टेस्ट ही नहीं किया कभी। आत्मा की तृप्ति हो गई है। नो रियली, एक्चुअल में टर्किश क्यूजीन्स बहुत टेस्टी हैं और डिजर्ट्स तो बहुत ही अमेजिंग है। मैं अपनी लाइफ में इतना मीठा कभी नहीं खाया, बट ये बहुत डिलीशियस है एक्चुअल में। आप लोग भी खा लो यार एक बार। बॉन एपिटेट। देसी घी में बनी हुई है। मैं तो छोड़ ही नहीं रहा, मैं खो गया हूँ पता, खाने में खो गया हूँ। ये बहुत टेस्टी है, मैंने खाया अभी। ये वाला ट्राई करूँ? हाँ, बाकलावा चॉकलेट पैटी, उसके अंदर पिस्ता वगैरह डाल के, बहुत अल्टीमेट फ्लेवर है यार। ये सारी डेलिकेसीज खाने के बाद ना एक्चुअल में ग्रीन टी की बहुत जरूरत थी। उन्होंने पूरी वही भेज दी है, चाय खुद बनाओ। पियो पियो, जितनी पीनी है पियो। तुझे टर्किश चाय नहीं पीनी? पीनी है मंगवा। टर्किश टी आ रही है एक्चुअल में। अगर टर्किश खाना खा रहे हो और टर्किश टी नहीं पी तो क्या किया? आई एम जेलस एक्चुअली। सब हजम हो गया।
जब से टर्की आई हूँ ना मैंने बहुत स्टॉल्स देखे भुट्टे के। चल फिर भुट्टा भी खा लेते हैं टर्किश फूड चैलेंज में। अबे ये तो इंडिया में भी बहुत मिलता है भुट्टा। ये बात भी सही है, ऑथेंटिक तो नहीं हुआ ना। हाँ, फिर खाना नहीं खाना, पेट बहुत भर गया है, ऐसा करते हैं रहने ही देते हैं। चल दिखा देते हैं। हाँ चलो आपको स्टॉल दिखाते हैं। ऐसे भुट्टे वाले बहुत सारे स्टॉल्स मिलेंगे हैं। बहुत ही क्यूट से रेड कलर के कार्ट। यहाँ सीगल्स खाना खा रही है और हम भी खाना खा रहे हैं। वहाँ पे हमें दिख रहा है प्रेट्ज़ल। प्रेट्ज़ल तो वैसे हमने जर्मनी में नहीं खाया था ना। जर्मनी का फूड है वो तो। एग्जैक्टली exactly. चलो फिर ट्राई करते हैं। तो इस्तांबुल घूमते घूमते आपको ऐसे कियोस्क देख सकते हैं और बहुत सारे ऐसे क्यूट से कियोस्क है। चलो फिर प्रेट्ज़ल खा लें। तो एक हमारे को मिला है 3.50 लिरा, जो कि 15 रुपए होते हैं इंडिया में। ये थोड़ा सा स्वीट साइड पे है, जर्मनी जैसा ही है, जैसा जर्मनी में खाया था बिल्कुल वैसा, पर अच्छा है। Nice. चलो फिर आगे चलते हैं। चलो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। हर्ष तो जूस पीने का मन करके इतना खा लिया तो साथ में जूस भी होना चाहिए। भैया वन ग्लास। हर्ष भैया, अरे वो समझ गए ना यार, ब्रदर ब्रो बड़ी। जूस पीवानो मजा नहीं लाइफ। तो गाइस अभी हमने ऑर्डर कर दिया अपना टर्किश लंच। बड़ी सारी क्यूजीन्स आने वाली है टर्किश और पूरा हमारा टेबल ना भरने वाला है। इतनी बड़ी नान ब्रेड आएगी, उसके साथ आएंगी बहुत डिफरेंट डिफरेंट सॉसेस, ऐसी चटनियां जैसे हम मतलब सोच भी नहीं सकते, इतने अलग अलग कलर्स की। और साथ में यहाँ की एक ट्रेडिशनल क्ले पॉट वाली मील आएगी। वैसे यूजुअली नॉन वेजिटेरियन आइटम्स में आती है, बट इनके पास वेजिटेरियन में भी है। एक बिरयानी होगी उसके अंदर वेजीज के साथ, उसको वो टक टक करके तोड़ेंगे। उससे पहले हमें एक विश करनी है। सीरियसली क्या विश करेगा तू? मैं विश करूंगा मुझे नहीं पता, तू बता तू क्या विश करेगी। विश बताई नहीं जाती है। वैसे आप क्या विश करोगे जरूर बताना कमेंट। मैं विश करता हूँ एक फ्लाइंग कार्पेट आए, उस पे हम दोनों बैठे और कैपेडोकिया पहुंच जाए। अलादीन और जैस्मिन की तरह। यस, इस बार साथ में अकेले नहीं। मैं भी यही बोलने वाली थी। खाना लाओ यार, भूख लग रही है बड़ी तेज की। बाकी यहाँ पे ना पूरे टर्की इस्तांबुल में रोड साइड कैफेज बने हुए हैं, यहाँ बैठ के खाने की फील ही अलग है, वाइब भी अलग है। और यहाँ पे आ गई है वो नान ब्रेड। ये वैसे बैंगन है, पता है बैंगन। और ये हम्मस होगा, ये भी सॉस है, ये भी मिंट सॉस है, ये भी कुछ ना कुछ है। ये बीटरूट वाली चटनी लग रही है। और इसके अंदर भी ना कुछ ना कुछ होता है, ये पान के पत्ते होते हैं, इसको रोल करके आई थिंक राइस है इसके अंदर। होममेड लेमनेड। बैंगन का भरता बड़ा टेस्टी यार। बैंगन का भरता सच में है इसके साथ। खाले प्रेरणा दिखानी नहीं है बस। चम वेरी नाइस यार, ये तो बड़ा अमेजिंग लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है ना। एवरीबॉडी इज क्लैपिंग। ये तो बना दे चुकी है यार, देखने में कितना ऑसम लग रहा है। तो ये एक टर्किश ट्रेडिशन होता है और विश करना होता है। मैंने विश कर भी लिया, बताए। अच्छा मेरी तो रह गई। कोई बात नहीं, एक ही बात है। चलो खाते हैं, भूख लग रही है। क्ले पॉट में होने के बाद कुछ आ रहा है फ्लेवर अलग। बहुत ज्यादा यम है सीरियसली, ऐसा लग रहा है पास्ता के बिना वेजीज खा रही हूँ। बहुत यम है सीरियसली, तू भी खा के देख। चलो फिर मैं भी खा लूं। यार अगर चावल इसमें डाल दें तो बिरयानी बन जाएगी। तो फिर खाना। चलो फिर खाते हैं ऐसे करके। बहुत सीरियसली यार, मुझे तो वेज फूड नहीं मिलेगा यहाँ तो सब कुछ है यार। ऐसी प्रेरणा की दोस्त भी आके आपके पास बैठ जाएगी, खाना मांगेगी, है ना। वो मेरा पेट फट गया यार इतना खा के सच में। चले हम। तो गाइस आज पूरे दिन टर्किश फूड खा के आया, बहुत ही मजा। सीरियसली पेट फट रहा है, इतना इतना खाना खाया मैं बता रही हूँ। मतलब मेरे को ऐसा हो रहा है कि अभी इससे ज्यादा मैं अगर थोड़ा सा भी और खाया तो। एनीवे बहुत ही मजा आया। आई होप यू गाइस एंजॉय वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अभी हम टर्की में और भी बहुत दिन है, तो डू टेल मी कि आपको और कैसा कैसा कॉन्टेंट देखना है। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।